सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज आ गई है, स्क्रीन पे मैंने ओपन कर रखी है, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दी है। आप हमें टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सीए गुरुजी। तो यहाँ मैंने ओपन की है प्रेस रिलीज, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए हैं, काफी देर से सभी लोग प्रेस रिलीज का वेट कर रहे थे, फाइनली अभी 9:30 पे प्रेस रिलीज आई है। इससे पहले मैं यूट्यूब पे लाइव जाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई प्रॉब्लम थी आज मेरे लाइव सेशन में, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं लाइव आ चुकी हूँ, बट आप लोगों को वो लाइव सेशन दिख रहा था, तो फिर इसीलिए मैं लाइव के बजाय ऐसे ही सिंपल वीडियो बना रही हूँ। देखेंगे फिर, चेक करेंगे लाइव में क्या इशू है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या रिलैक्सेशंस आपको दिए गए हैं। पहले बताया गया है कोविड रिलीफ आइटम्स के बारे में, इसे हम बाद में देखेंगे। फिर अदर गुड्स के बारे में बताया गया है, सर्विसेज के बारे में बताया गया है। हम जहां बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी एमनेस्टी स्कीम आ गई है, जिसका आप सभी को वेट था, जिसके लिए क्वेरीज भी आती रहती हैं। तो एमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फी फॉर पेंडिंग रिटर्न। तो अगर आपकी अब पेंडिंग थी रिटर्न्स, कहां से जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक, studyberry.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है, जीएसटी का डिटेल एंड अपडेटेड कोर्स है, ट्रायल्स ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखिए, कॉम्बो है जीएसटी एंड इनकम टैक्स का। इन सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, तब तक आप चाहें तो studyberry.com को विजिट कर सकते हैं। उन पर्सन को जिसने भी अपनी जीएसटी 3B फाइल नहीं की है इस पीरियड की, उनकी जो लेट फी है वो रिड्यूस या वेव की गई है एज अंडर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट फी को कैप कर दिया गया है, कैपिंग कर दी गई है, यानी 500 रुपए से ज्यादा लेट फी आपसे नहीं ली जाएगी। मैक्सिमम है 250 CGST की और 250 SGST की पर रिटर्न है, ठीक है, नोट कर लेना, पर रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर्स हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स पेयर। अगर आपकी कोई भी 3B पे लाइबिलिटी नहीं है, यानी आपकी जीएसटी लाइबिलिटी निल है, तो कैपिंग है 500 की, और अगर अदर देन निल वाली रिटर्न है तो आपके लिए जो कैपिंग है लेट फी की वो 1000 पर रिटर्न है, ठीक है। इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, यहाँ अच्छे से लिखा है, कोई इशू नहीं है। द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फी वुड अप्लाई इफ 3B रिटर्न फॉर दीज टैक्स पीरियड्स आर फर्निश्ड बिटवीन 1 जून टू 31 अगस्त 2021। तो याद रखिए, एमनेस्टी स्कीम आपको ऑफर की गई है 31 अगस्त 2021 तक। इस डेट को कहीं अपने पास नोट कर लो, कोई रिमाइंडर सेट कर लो मोबाइल में, क्योंकि इसके बाद जब ये डेट चली जाती है ना, उसके बाद भी बहुत सारे लोग एमनेस्टी स्कीम बोलते ही रहते हैं। तो जो डेट्स आती है ना, उन्हें मिस मत किया करो। आप सभी का यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, जिसने ऑलरेडी लेट फी भर के रिटर्न फाइल कर दी है, क्या उनकी लेट फी वापस होगी? ऐसा कुछ भी प्रेस रिलीज में नहीं है, और अब आपको पता है प्रीवियस सिनेरियोस भी, इन केसेस में ये कुछ भी नहीं करते हैं, लेट फी को आपको दोबारा रिफंड नहीं किया जाता है एक बार जो आपने भर। देन रेशनलाइजेशन किया गया है लेट फी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए द अपर कैप ऑफ लेट फी इज बिंग रेशनलाइज्ड टू अलाइन लेट फी विद टैक्स लाइबिलिटी या टर्नओवर ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो कैसे कैपिंग की गई है, टैक्स लाइबिलिटी या टर्नओवर के हिसाब से जानते हैं हम। पहला जो पॉइंट नंबर ए दिया है, सेकेंड पॉइंट का, लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ 3B एंड GST 1 कैप्ड पर रिटर्न के हिसाब से कैपिंग की गई है। कैसे की गई है, यहाँ तो अभी हम प्रेस रिलीज पढ़ रहे हैं ना, मैं इसका फिर एक आपको ब्रीफ चार्ट बना के अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी। पहले बताया जा रहा है फोर टैक्स पेयर जिनकी लाइबिलिटी है निल इन 3B और निल इन GST 1, ना तो उनकी सप्लाई है ना ही टैक्स की लाइबिलिटी है, उनकी लेट फी कैप कर दी गई है 500। और जो अदर टैक्स पेयर्स हैं, उनकी टर्नओवर के हिसाब से की गई है। तो अगर किसी की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है इन प्रीसीडिंग ईयर अप टू 1.5 करोड़, तो उनके लिए कैपिंग की गई है लेट फी की 2000, और ये पर रिटर्न है, याद रखना। अगर टर्नओवर 1.5 टू 5 करोड़ तक है, तो कैपिंग की गई है 5000 रुपीज
की लेट फी पर रिटर्न, और अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो कैपिंग की गई है 10,000। यानी हमारी अगर 3B nil होती है तो उस पे लगती है 20 rupees पर डे की लेट फी, 3B अगर अदर देन nil होती है तो लगती है 50 rupees की लेट फी, इसी तरह GST 1 पे हमारी 100 rupees पर डे की लेट फी है। तो जो भी लेट फी बनेगी, जितनी भी लेट फी बनेगी उसकी मैक्सिमम लिमिट है। मान लो आपकी लेट फी बन गई 2,500 और आपकी टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़, तो आपको 2,000 ही देने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह ये मतलब है कैपिंग। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर बी, GST 4 के लिए बड़े वरीड रहते हैं लोग। कंपोजिट टैक्स पेयर्स की जो रिटर्न है GST 4, उसमें भी कैपिंग कर दी है लेट फी की। यहाँ पे कैपिंग की गई है 500 पर रिटर्न अगर आपकी नील की रिटर्न है, और अगर अदर देन नील की रिटर्न है तो 2,000 पर रिटर्न की गई है। देन GST 7 में भी ऐसे ही लेट फी पेबल फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ GST 7, इसको रिड्यूस कर दिया गया है ₹50 पर डे, और इसमें जो कैपिंग लगाई गई है वो है ₹2,000 पर रिटर्न। ये जो सारे प्रपोजल है टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं है, यानी पीछे से अमेंडमेंट नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, यानी सेक्शन 47 को ये जो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 47 में कैपिंग की, ये अब अप्लाई होगी। इसकी अभी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ये तो अभी प्रेस रिलीज है ना, तो नोटिफिकेशन में पर्टिकुलर डेट लिखी होगी कब से ये एप्लीकेबल होगी। तो आप लोगों ने इसे समझ लिया है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से यहाँ क्लैरिटी हो गई है। Now, number 3, COVID-19 related relief measures for taxpayers. In addition to the relief measure already provided to the taxpayers by notification issued on 1st May 2021, 1st May 2021 को जो हमारी notifications आई ना dates की, उसके अलावा भी कुछ relaxation दी गई है। पहला बताया जा रहा है small taxpayers कौन से हैं जिनकी turnover है up to 5 crore, उनकी March and April 21 tax periods की यहाँ बात की जा रही है। Nil rate of interest for first 15 days from the due date of furnishing the return in 3B or filing GST PMT 06 challan reduce kiya gaya hai 9% thereafter for further 45 and 30 days for March 21 and April 21 respectively. अभी जो यहाँ पे आप लैंग्वेज देख रहे हैं ना, इसको अभी आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ चार्ट बना के फटाफट दे दूंगी क्योंकि मैं भी प्रेस रिलीज अभी बस आई ही है और इसे गो थ्रू कर रही हूँ, तो ब्रीफिंग आपको मैं अलग से वीडियो में कर दूंगी। Then waiver किया गया है late fee of delay in furnishing 3B for the tax period March and QE quarter ending March 21, यानी जो quarterly थी और monthly जो हमारी 3B थी उन दोनों के लिए ही बात की जा रही है, और April 21 की 3B, इनके लिए जो late fee waive किया जा रहा है वो 60 days and 45 days respectively है। यानी March तक के लिए तो 60 days तक late fee waive off की गई है, और April के लिए 45 days तक late fee waive off की गई है from the due date of furnishing 3B। तो exact date मैं आपको वही brief बना के दे दूंगी। Then nil rate of interest है first 15 days, अब CMP 08 की बात की जा रही है, जो उसकी due date है उसे first 15 days तक तो nil rate है। Composite tax payers की जो return है for QE quarter ending March 21 and reduced rate of interest है 9% thereafter for further 45 days। मई 21 की भी यहाँ बात की जा रही है, तो यहाँ पे इन्होंने ना exact date नहीं बताई है, तो वो exact dates आपको मैं शेयर कर दूंगी। अभी आप फटाफट ये जान लो कि फर्दर रिलीफ आपको दिया गया, मई के लिए भी दिया गया कि 15 दिन तक जो ड्यू डेट है हमारी मई की रिटर्न भरने की क्या बनेगी, हमारी 3B भरने की मंथली के केस में जून 20 बनेगी, ठीक है, उसके 15 दिन तक यानी 5 जुलाई तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, चाहे वो 3B है या PMT 06 भर रहे हैं, और उसके बाद 9% देयर आफ्टर फॉर फर्दर 15 डेज, यानी 15 दिन और 9% इंटरेस्ट रेट लगेगा 20 जुलाई तक, 20 जुलाई के बाद फिर पूरा लगेगा, ठीक है, इस तरह से है। तो मैं डेट्स आपको शेयर कर दूंगी, चिंता ना करना। वेवर ऑफ लेट फी, पहले इंटरेस्ट की बात की जा रही है फिर मई के लिए लेट फी का वेवर बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लेट फी को वेव कर देंगे 3B के लिए फॉर 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, तो 20 जुलाई इसकी डेट है ना, मई वाली रिटर्न, सॉरी 20 जून डेट है ना इसकी, तो उसके बाद 30 डेज तक लेट फी नहीं लगेगी, यानी कि 20 जुलाई तक, ठीक है, इस तरह से आपको अंदाजा लगाना। फिर लार्ज टैक्सपेयर्स की बात की जा रही है, इनके लिए कोई रिलैक्सेशन ज्यादा नहीं है, इनका इंटरेस्ट जो है ना 15 दिन तक बस रिड्यूस लिया जाएगा, मई के लिए भी जो पहले था ना वैसे ही, और लेट फी जो इनकी है वो 15 दिन तक, ड्यू डेट से 15 दिन तक नहीं ली जाएगी। तो ज्यादा जिनकी टर्नओवर है ना 5 करोड़ से, उनके लिए कोई ज्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं होती है। फिर सर्टेन अदर COVID-19 रिलेटेड रिलैक्सेशन सच एज एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GST 1 एंड IFF फॉर द मंथ ऑफ May 21, GST 1 और IFF की डेट को ये फर्दर 15 डेज मई के लिए भी बढ़ा रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GST 4, GST 4 को जो भरना था ना 2021 की, उसे 31 जुलाई कर दिया है। ITC 04 जो क्वार्टर था मार्च एंडिंग, उसको कर दिया है 30 जून। देन जो 36(4) रूल है ना हमारा, वो अब आपको अप्रैल, मई
और जून, पहले बताया था हमने कि अप्रैल एंड मई के लिए क्यूमुलेटिव करना, अब अप्रैल मई एंड जून के लिए क्यूमुलेटिव करना किस मंथ में, जून 2021। अब ईवीसी की ऑप्शन दे दी गई है डीएससी की बजाय, कब तक, 31st अगस्त 2021 तक कंपनीज के लिए, ठीक है, यहाँ कंपनीज लिखा है। देन रिलैक्सेशन दी जा रही है आपको रूल 168A में, जो है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शंस बाय द अथॉरिटीज के लिए है, अथॉरिटीज को जो एक्शन लेने थे जो फॉल कर रहे थे 29 जून, उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 जून सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, ठीक है। वेयर एवर द टाइमलाइन फॉर एक्शंस हैव बीन एक्सटेंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सेम वुड अप्लाई, तो ये भी बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे बताई है टाइमलाइंस उसके हिसाब से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। देन एनुअल रिटर्न की अब बात की गई है, 6 पेजेस की ये प्रेस रिलीज है, लास्ट में एनुअल रिटर्न की बात हो रही है, एनुअल रिटर्न की सिंप्लीफिकेशन की बात की जा रही है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। इसके लिए अमेंडमेंट की जाएगी सेक्शन 34 एंड 44 में थ्रू द फाइनेंस एक्ट 21 और इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। दिस वुड ईज द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन फर्निशिंग जीएसटी 9C एज टैक्स पेयर्स वुड बी एबल टू सेल्फ सर्टिफाई The reconciliation statement. अभी तक 9C को कौन सर्टिफाई करता था, CA. अब GST audit की certification सिर्फ और सिर्फ कैसे होगी, self certification instead of getting it by CA. The change will apply for annual return for financial year 2020. Then हमारी जो अब annual return audit की बात कर ली हमने, 9 और 9A तो वैसे भी इन्होंने खत्म ही कर दी थी आपको पता है, for financial year 2021 to be optional for the taxpayers having aggregate turnover up to 2 crore. 9A active थी तब तक, तो इसको साथ में कभी नहीं लिखते थे, अब 9A है नहीं तो उसको भी लिख रहे हैं। बस सिंपल ये है कि अगर आपकी turnover up to 2 crore है तो आपके लिए optional है GST 9 को भरना, और 9C किसके लिए optional है, जिनकी turnover up to 5 crore है, यानी जिनकी turnover 5 crore से ज्यादा होगी तो उन्हें 2021 के लिए audit करना mandatory होगा। Then जो section 50 है ना, उसमें जो हमारा डिसीजन हुआ था कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो नेट लाइबिलिटी पे करना है, बट अभी तक उसकी पर्टिकुलर अमेंडमेंट नहीं की गई थी कि वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा या कब से, उसके लिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आई गई है CGST एक्ट में कि ये 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल होगा, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 आपको जो GST पे इंटरेस्ट पे करना होता है वो आप नेट कैश बेसिस पे करेंगे, और ये भी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। अदर मेजर्स में है, जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है अमेंडमेंट इन सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट सो एज टू मेक द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ जीएसटी 1 और 3B रिटर्न फाइलिंग एज द डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इन जीएसटी। तो इनके लिए जो भी सर्कुलर है, जो नोटिफिकेशन है, वो जल्दी ही आ जाएंगे। तो मेजरली मैंने आपको बता दिया, यही सब चीजें आपको दी गई है। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिटर्न्स को अमेंड करने की ऑप्शन आ जाएगी, क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट आ जाएगा, अभी उन पे डिसीजन नहीं हुआ है। इन्वर्टेड ड्यूटी का जो रिफंड लेना होता था उसमें कुछ रिलैक्सेशन सोच रहे थे सभी टैक्स पेयर्स, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। और जो कुछ कोविड रिलेटेड मेजर्स हैं वो मैंने ऊपर छोड़ दिए थे, तो ये मैं आपके साथ फिर बाद में डिस्कशन करूंगी, ये प्रेस रिलीज में आप खुद पढ़ सकते हैं। अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, डेट्स का चार्ट आपको जल्दी ही मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज, इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको खुद से आइटम 1, 2, 3 और 4 भरना आ जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी आप सीखना चाहते हैं तो जीएसटी का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है, इसका इन दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स, और सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी के बेनिफिट के लिए ही studyworry.com पे ये कोर्सेज अवेलेबल है, तो अगर आप लिंक से भी नहीं जाना चाहते तो सिंपली विजिट करिए www.studyworry.com एंड गेट बेनिफिटेड बाय आवर कोर्सेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।